मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का। क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 220 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। कोलकाता हाई कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया है जिसमें 2010 के बाद जितने OBC सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसको खारिज कर दिया है। दीदी के मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया, और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को OBC बना दिया। सभी जातियों को OBC बना करके जो OBC का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है, तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। सर, वेल्थ क्रिएटर्स को लेके भी बातचीत एक नैरेटिव आता है कि कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, अभी आपने हाल में उनको बोला, तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको ही उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूँ, जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहाँ से लाए हो, उनसे बात करो भाई, आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चर्चाएं उनके साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है,
ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है, मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है, मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए, उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है, जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये तो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप आए तो बिल्कुल आरक्षण ही खत्म कर देंगे, ये क्या इस पर क्या बोलेंगे? इन्होंने ये पाप कर दिया है उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनको झूठ बोलने के लिए ऐसी चीजें का उपयोग करना पड़ रहा है। मोदी जी, बंगाल में भी ताबड़तोड़ एक टक्कर की लड़ाई चल रही है, आपके भी बहुत कैंपेनिंग वहाँ पे आपने की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे बंगाल में? बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 बना पर पहुंचा दिया, हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। आपकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया, अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूँ कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूँ, तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे
अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे आते हैं, ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन सरकार क्या करती है, प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को, देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई जुटबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए? तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा।